राजस्थान में पूरा का पूरा क्लान है, अब हम बता नहीं पा रहे हैं, जिसका जिसका बड़ाई क्या गाते हैं वहाँ के भाट कि साहब सिर कटा तो धर में 10-20 मार दिया। आपके यहाँ सुख चैन से रहता कौन है? लक्ष्मी बाई को गए तो लक्ष्मी बाई जी ने यूं ही स्त्री सेना तैयार कर ली, ना तो उनको शाखा लगाना पड़ा, ना मोटिवेशन करना पड़ा, भर्ती कर दिया। और महारानी कह कह प्रदेश की थी ना, काकेशस पर्वत जो है बड़ी सुंदरी थी, उनको इतना युद्ध विद्या सीख के आई कि जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता सब असुरों से हार गए, तो चक्रवर्ती दशरथ को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा अकेले जा रहा हूँ, एक साथी ले जाऊँ। तो समस्त उनके चक्र साम्राज्य में जो सबसे निपुण कुशल योद्धा थी महारानी कैकई थी, परम सुंदरी, 22-24 या 18-20 साल की स्त्री, तभी ना 2 बार मांगी थी, 2 बार प्राण बचाए थे। तो आप में आल्हा उदर पता नहीं कब मर गए। मैं आजकल महाराष्ट्र में हूँ, रोज महाराष्ट्र कह रही हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ, आल्हा गाया जा रहा है। कौन सा हमारे यहाँ, मैं राजस्थान की हूँ, चारण भाट केवल वीर रस की कविता नहीं गाते हैं, युद्ध में जाकर युद्ध करते हैं, स्त्रियां युद्ध करती हैं, बच्चा युद्ध करता है। सबसे बड़ी जासूस भारत की स्त्रियां, जितने भी कठोर कर्म हैं वो भारत की स्त्रियों के पास है। लक्ष्मी जी इकोनॉमी, सरस्वती जी विद्या, और दुर्गा जी का तो खैर कहना ही क्या, और पालन पोषण का काम विष्णु जी के जिम्मे, किसी माता के जिम्मे नहीं है। चीन हमसे का खा के निपटेगा भाई? चीन में स्त्री का पैर छोटे से जूता में बंद कर देते हैं, यही करते हैं ना। आपने चीन में वीर स्त्रियों की कहानी सुनी है, घोड़े पर सवार स्त्रियों की कहानी सुनी है। इंदिरा गांधी से कितनी दिक्कत थी जनसंघ वालों को, भाजपा वालों को और संघ वालों को, लेकिन बांग्लादेश की तुरंत उन लोगों को उसमें महिषासुर मर्दिनी दिखाई देने लग गई। गांधी इंस्टीट्यूट में जब मेरा प्रोफेसर में भर्ती हुआ तो बिमला बाबू हमसे पूछे, वहाँ झगड़ा उगड़ा हो गया कि आजकल पूजा उजा करती हो कि नहीं, हमने कहा नहीं, अभी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किए। बोले तुरंत बंद करो नहीं तो संस्थान बंद हो जाएगा। इमीडिएटली हम लोग स्त्री में शक्ति का पावर का, और कैसा शक्ति पावर, सामान्य नहीं, दुर्घस। आपातकाल में रक्षा कौन करेगा? स्त्री और वृद्ध, यही है ना। सामान्य काल में लड़के रक्षा करेंगे, पुलिस रक्षा करेगी, सेना रक्षा करेगी। ऐसे सिविलाइजेशन से ये चीन बेचारा तो हमारा बच्चा है। अच्छा एक चीज और, इसका ये ड्रैगन ये छिपकली है ना, 4 पाँव है ना इसके, सांप के कभी 4 पाँव देखे हैं आप लोगों ने? अजगर के 7 पाँव देखे हैं? जिसका सिंबल छिपकली है वो सिंह से लड़ेगा। जो आज तक हमसे नहीं लड़ा, चीन या जांघाओ हमसे नहीं लड़ रहा है, ध्यान रहे, हमसे बदतमीजी करने की अभद्रता और दंडता कर रहा है कम्युनिस्ट विचार। जवाहरलाल नेहरू भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता है, गांधी जी भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हमको इनसे मुक्त होना पड़ेगा। जिन लोगों को ये उठा तो इंडिया डिस्कवर्ड, ये अंग्रेज की लिखी हुई किताब है, 4-5 हमारे हैं, 4-5 के आधार पर इतिहास लिखते, एक जोन्स है, विलियम जोन्स, एक प्रिंसेप है, एक कनिंघम है। इन नालायकों को ये नहीं पता है, इसका पेज नंबर हमने अभी कहिएगा मीटिंग के बाद दिखा देंगे, कि ये बुद्ध है कौन, लड़ाका है क्या, देवता है क्या, योद्धा है क्या? नहीं नहीं, अफ्रीका से आया था, अभी सीनियर है। कब? लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में इनको ये नहीं पता है, ये देवानाम पी दासी ये अशोक है कौन, और ये कह दिए कि वो बुद्ध है। उसका चक्र में उनको चक्रवर्ती का चक्र नहीं दिखा, उसमें उनको गोविंद का सुदर्शन नहीं दिखा, बुद्ध
बुद्ध का धर्म चक्र सनातन धर्म चक्र से भिन्न है क्या रे मूर्खों? हमको ये भाषा बोलनी पड़ेगी हमारे यूरंड पंथियों का उद्दंडता को तोड़ने के लिए। रे मूर्खों, तुमको नहीं पता कि प्रिंसेप और कनिंघम को 1920 तक नहीं पता कि अशोक कौन है। ये कह रहे हैं अरे एक अशोक श्रीलंका में मिला है, तो चिट्ठी जाती है कि श्रीलंका वाला अशोक पटना में पेड़ काहे लगवा रहा है जी। दीज आर करेस्पॉन्डेंस जिसको ये सब हमको समझाते हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, वो जानते हैं क्या है? एक विलियम जोन्स इंग्लैंड का मार्जिनल ग्रुप का आदमी अपने यहाँ जो दुबई जाता है, जो भारत में ठीक से नहीं कमा पाता है, पेंट वेंट करता है, बढ़ई उढ़ई बनाता है। 18वीं 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड से भारत आना मतलब अटलांटिक क्रॉस करना, 0 डिग्री क्रॉस करना, फिर ये अफ्रीका क्रॉस करके आना और पूरे वेस्टर्न कोस्ट पर मराठों ने इसको इनको टांग नहीं रखने दिया, तो पूरा पश्चिमी कोस्ट क्रॉस करके बंगाल जाना। कौन आता था वहाँ का? मार्जिनल परिहा। परिहा समझते हैं? अंत्यज, जिसको खाने को पीने को नहीं है, क्योंकि अगर उस समुद्री यात्राओं का वर्णन आप देखें तो एक कैरेबियन पीरियड्स करके एक फिल्म है, कई ठो फिल्म है उसको देखी, ये मनुष्य तो दिखते ही नहीं है। तो ये विलियम जोन्स जो आता है, 5 हम इसको बैठा लेते हैं, अजीत को, रविशंकर जी तो बड़े आदमी हो गए आजकल, बड़े बड़े लेख लिखते, 4 नए नए बच्चों को हमने बैठा लिया और कुछ आए बाएँ शायद चीन तिब्बत मंगोलिया इन सबों को हम पढ़ा दिए। वो हो गया इंटरनेशनल रॉयल सोसाइटी, हो गया सर। अरे वो सब कहें तो शोभा देवी, आपको कहेंगे कैसे शोभा देता है भाई? राहुल गांधी तक मामला ठीक है, केजरीवाल के खाते में भी डाल दो। अब कल गोविंद जी भी कहें जी, हमारे त्रिपाठी जी भी कहें कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के कनिंघम ने कहा। अरे कनिंघम को क्या आता जाता था? हाँ तो दे उसमें जो लिखा है खरो, हाँ श्रीलंका में, हाँ वो भी इसको बोलते थे देवनाम के, हाँ जी, बनारस गया, बनारस तो उसने उसको। अब कनिंघम कौन है इनके सामने बता दे। किसी तरह 2 रोटी कमाने के लिए भारत आया है, कभी इस सेना में भर्ती होता है, कभी उस सेना में भर्ती होता है, और भर्ती हो के जो लिखता है उसको इतिहास कहेंगे आप? तो तीसरी बात, भारत को जिस चीन से उलझना है, ध्यान दीजिए, उलझना पड़ सकता है नहीं पड़ सकता है, लेकिन जिस दिन भारत का रूलिंग क्लास इन ऐतिहासिक तथ्यों के साथ 2000, 5000, 7000 नहीं, 20वीं शताब्दी, 2 किताब वेन सॉन्ग और ये सिल्क रोड, ये लाइए, ये इनका एक लेख है रविशंकर जी का, सिल्क रोड नहीं भारतीय उत्तरापथ। अब इन मूर्खों को ये भी नहीं पता है कि रोड किसके लिए होता है। रोड होता है पहिया के लिए, जहाँ व्हील ट्रैफिक होगा वहीं रोड होगा। इस पूरे इलाके में व्हील ट्रैफिक तो कभी था ही नहीं भाई, रोड फोड कहाँ से आएगा? और चीन, तुम इस पूरे इलाके में क्या करने गए थे जी? चीनी भाषा में एक भी टुकड़ा कागज, एक भी कोई माने पत्थर पे या किसी चीज़ पर लिखा हुआ इस पूरे इलाके में नहीं है। क्यों? रास्ते पर कौन चलेगा? ट्रेडर। चीन में ट्रेडिंग बैनिस्ट है, मनाही है, अपराध है, निंदनीय, और हमारे यहाँ महाजन श्रेष्ठी कह के भी चयन नहीं है, महाश्रेष्ठी। हमारा जो महाश्रेष्ठी है, हमारा महाश्रेष्ठी तो छोड़ो, हमारा सामान्य से सामान्य आदमी बेटी के ब्याह में सिल्क पहनता है, वहाँ तो उसका अगर व्यापारी सिल्क पहन ले, और वो कह रहे हैं कि चीन सिल्क का व्यापार करता था। चीन को तो डंडा मार के सिल्क लेते थे ये सब, क्योंकि सिल्क